गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ ले जा रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ। ये कई बार पूछा जाता है कि सर चैनल का प्रधान लक्ष्य क्या रहेगा। मैंने बताया गुड सिटीजनशिप, शांत स्वभाव के व्यक्ति तैयार करना। यदि वो किसी भी धर्म, किसी भी देश, मैं ये भी कहूँगा यदि मेरे पड़ोस मेरे रहे शांत और उपद्रवी से मैं कहीं ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर ब्राज़ील का एक शांत नागरिक है, सभ्य नागरिक है और सड़क पर चलते में अच्छा व्यवहार दिखाता है तो वो प्रशंसनीय होगा हमारी नज़र में। पहले तो हम प्रेरित कर रहे हैं शांत और सभ्य और सिटीजनशिप इन गुड सिटीजन, अच्छे नागरिकों का समूह। पहले भी कहा गया था प्यार की पींगे शादी के बाद बढ़ाई जाए। इसने भी अशांत वातावरण तैयार किया है, समाज में मारकाट को बढ़ावा दिया है, उपद्रव को बढ़ावा दिया है। बेमौसम की बरसात में आज ये कहना चाहूंगा अध्ययनरत विद्यार्थियों, युवकों और युवतियों से कि बेमौसम की बरसात अच्छी नहीं होती, फसल को नुकसान करती है और ये उपद्रव का हिस्सा है। जिंदगी में सीखें, इस शब्द को आजमाएं, सीखें, आजमाएं, आगे बढ़ाएं, परंतु विवाहित जीवन की बात है, जल्दी कीजिए। दें आप जल्दी की शौकीन हैं तो, जल्दी की पसंदगी आपकी है तो और जल्दी विवाह कीजिए और गैर कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से विवाहित जीवन जीना ही एक लव स्टोरी कहानी भारत में बन चुका है, जो मारकाट को बढ़ावा देता है और अदालतों में कैदियों की संख्या बढ़ाता है। तो आप वह जिन सिर्फ अध्ययन के लिए होता है, आज मैं ये छात्रों से कहना चाहूँगा, छात्राओं से, यदि किसी को ग्रस्त जीवन जीना है तो आप अपने वैवाहिक जीवन में आइए, जल्दी आइए और एक सभ्य रूप से आइए। ये अकेले विद्यार्थी नहीं, हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता और अधिकारियों के बारे में भी इस तरह की बातें कही जाती हैं कि वो छिपा विवाह, गैर कानूनी विवाह इस प्रकार से के जीवन जी रहे हैं, ये उचित नहीं है। प्रोपगेशन ऑफ मैरिजेज की एक अच्छी ड्राइव चलाई जाए, जो लोग जल्दी इस जीवन की अनुभूति करना चाहते हैं वो जल्दी इस जीवन में आ जाए, जल्दी इस विवाह को अंजाम दें। वही लोग बाहर रहें जिनको उस ढंग से रहना आता है, शिष्ट रूप में रहना आता है। यदि और ये आज के समाज को भी आत्मसात करना पड़ेगा कि जो अंतर जातीय और अंतर विवाहिक और घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जो नौजवान युवक और युवतियों द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये समाज और परिवारों को आत्मसात करने पड़ेंगे। इसमें विद्रोह नहीं भड़कना है, विद्रोह की संभावना खत्म हो जाएंगी। एकदम व्यवस्था पुरानी बहुत ही सजीली व्यवस्था से आधुनिक मशीनी व्यवस्था की तरफ हम आ रहे हैं, इसमें थोड़ा लगेगा मैटपटापन, परंतु इसको हत्याओं आत्महत्याओं और उपद्रव न बदले। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, समझदारी के लिए हम खुद में प्रयास कर रहे हैं कि विवाह एक सामाजिक परंपरा है और वो परिवार की खुशनुमा माहौल में दो परिवारों का मिलन का नाम विवाह संबंधों को अंजाम देना है। यदि किसी स्वयं द्वारा परिवार की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है, या कोई व्यक्ति अपने माता पिता, अपने भाइयों, अपने परिवार की भावनाओं के प्रतिकूल इस तरह का कार्य करता है, तो स्वयं ही गैर कानूनी, अदालत को गैर कानूनी करने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज मानता है उत्पाती है, उपद्रवी है, असभ्य है और बदमाशी का हिस्सा है, तो इस तरह की बातें नहीं की जाएँ।
सामाजिक व्यवस्था को समाज के ढंग से आगे बढ़ने दिया जाए और समाज में शांति का निर्माण किया जाए। धन्यवाद।